राजनांदगांव की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती की माने तो SBI फाइनेंस में काम करने वाले युवक ने उसे शादी का झांसा दिया, जिसके बाद लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते रहा। युवती की माने तो आरोपी युवक उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। इस बीच युवती को आरोपी कामदेव ने अपने घर बुलाकर उसके साथ लगातार बलात्कार किया। उसके बाद युवती पर कई तरह के आरोप लगाकर शादी करने से इंकार कर दिया। लड़के का नाम बता सकते हैं? कौन लड़का है, क्या करता है? लड़के का नाम कामदेव साहू है। कहाँ रहने वाला है? वो रहने वाला है धमतरी जुनवानी का रहने वाला है। क्या घटना घटी थी? घटना घटी थी, उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ में बलात्कार किया है और उसके बाद में मुझे समझाया है शादी के लिए कि मैं शादी करूँगा। हम लोग जो कि एक ही समाज के हैं और एक ही कास्ट के हैं, तो फिर शादी के लिए बोले तो शादी के लिए मैं मान गई, ठीक है कभी हम लोग के आगे चल के शादी हो जाएगी। तो इस तरह मुझे बुला कर बार बार से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते गया। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी लगी तो मैंने टेस्ट भी कराया, तो जब उसके बारे में बताया तो उन्होंने गर्भपात कराने के लिए बार बार से मुझे प्रेशर देते रहे। और उसके बाद जब मैं नहीं मानी तो मुझे समझाने के लिए कि घर में बताऊँगा, मैं तुम्हारी शादी की बात रखूँगा बोल करके मुझे घर में बुलाए वहाँ पचपेड़ी नाका में। तो वहाँ जब मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अबॉर्शन करा दिया और दवाई खिलाकर अबॉर्शन कराया ज़बरदस्ती। उसके बाद में अभी फिर मैं प्रेशर डाली कि इतना सब चीज़ हो गया है तो अब शादी क्यों नहीं कर रहे, अब घर में बताइए। तो उन्होंने घर में नहीं बताया, बोले कि हाँ बताऊँगा। मुझे इसके बाद जानकारी मिलती है कि वो दूसरी लड़कियों को देखने जा रहे हैं शादी के लिए। तो बाद में मैं उनको बोली कि आपने तो मुझसे शादी के लिए वादा किया था, उसके बाद में दूसरे को क्यों देखने जा रहे हैं, आप मेरे बारे में बताइए घर में। तो फिर उन्होंने नहीं बताया, फिर मैंने उसके घर में इन्फॉर्म किया बताया, तो उसके घर वाले लोग मुझे समझाने के लिए पैसे देकर बात ख़त्म करने वाली बात भी बोले उन लोगों ने। उसके पूरे परिवार आए थे मुझसे मिलने के लिए और बोले कि पैसे जितना चाहिए उतना ले लीजिए और बात ख़त्म कीजिए यहीं पास में और आप अपने अपने रास्ते जाइए। तो मैंने नहीं कहा और फिर अभी FIR के लिए आई हूँ। कहाँ, कौन से थाने में शिकायत की? टिकरा पारा थाना। डेढ़ महीने पहले आई थी, शिकायत की। हाँ, 15 अप्रैल को मैंने FIR कराया है। उनके रिश्तेदार मेरे पास आए थे, तो मैंने टिकरा पारा थाना। न्याय चाहती हूँ मैं। नहीं, FIR तो कर लिया। FIR हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 15 अप्रैल को आए थे। कामदेव साहू क्या करता है? वो SBI जनरल इंश्योरेंस का काम करते थे, टिकरा पारा में रहता है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.